था। दीदार उस जात का जो परवरदिगार है, जो आलम है, दीदार उस जात का जो इस कायनात का मालिक है, दीदार उस जात का जो खुद अपनी शान में कहता है अल्लाहु रब्बुल आलमीन, दीदार उस जात का जो खुद अपनी तारीफ में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दीदार उस जात का जिसका हकी कहता है अन्नी यूरिल्लाहु बिशैइन मिन नूरी, दीदार उस जात का जिसका खलीफा उसकी शान में कहता है कि अगर फजल जो भी तुम्हें जिए 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 यानी अगर वो जो भी दाने ईमान में फजल करते तो जियो जियो जियो। दीदार उस जात का उस खाने का जिस मखलूक ने कहा बना में जहां दारे नाम आखरी हकी में सुखंदर जुबान आखरी फिर उस जहां बनाने वाले के नाम से जिसने जान को पैदा किया, दीदार उस जात का जिसकी हिकमत ने जुबान का नाम कर दिया, हाँ दीदार उस खुदा का जो खुदी से है जिसकी खुदाई हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगी। और हम में कभी अगर मियाँ से मोहम्मद बिन करीम अली मौत अलैहि सलातो व सलाम के मानने वालों का इस बात पर ईमान और यकीन है कि अल्लाह ताला का रिदा इस दार दुनिया में जायज और मुमकिन है और इमाम अहमद बिन मौत अलैहि सलातो व सलाम के हुक्म से अल्लाह ताला की रिदा की तरफ हर मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह ताला अपने कलाम नबी की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा में अपने बंदों को दुआ कर रहा है कि इन सियात मुस्तकीम सियात लजीना हम का रहे हैं चला हमको सीधी राह पर और उन जैसों की राह पर जिस पर तुम्हें इनाम अता किया। तो यहाँ बात रास्ते की गई रास्ते की पे यानी जब रास्ता होगा तो उसका एक मकसूद होगा और जब राह होगी तो उसकी एक मंजिल होगी। अगर दिल पर कोई शख्स इस तरह से गुजर रहा हो और आपसे पूछे तो ये नहीं कहेगा कि मैं सिर्फ इस रास्ते से गुजर रहा हूँ बल्कि वो ये कहेगा कि मेरी मंजिल बनानी जगह है मेरा मकसूद बनानी जगह है इसीलिए मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ और अल्लाह ताला हमें इस राह की तरफ चलने की जो बात कह रहा है तो उसकी मंजिल को अल्लाह ताला इसी कलाम मजीद में सूरह यूसुफ की आयत में फरमाता है बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि कुल हाजिरी सबीली अदउ इल्लाह अला बसीरती अना वा मनि तबानी ऐ नबी मोहम्मद बुलाता हूं अल्लाह की राह में बसीरत पर यानी उसके दीदार पर मैं और वो जो मेरा तारे हो। तो मालूम हुआ कि जिस राह पर चलने के जिस रास्ते पर चलने के हम रोजाना पंच वक्त नमाज में दुआ करते हैं उस रास्ते की मदद अल्लाह का दीदार है उस रास्ते का मकसूद अल्लाह की साथ है क्योंकि अल्लाह पाक कह रहा है कि कुल हाजिर सभी या रुई अल्लाह अल्लाह तो सीधा दिया अल्लाह तो दिया। तो इस आयत में दो रुका इन दो पॉइंट अगले दौर पहला ये कि जिस दावत पर जिस दावत को देने का हुक्म हो रहा है वो अल्लाह का दीदार और दूसरा ये कि दावत देने वाले को एक खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना बमनी का बाय और तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबे हो यूरो उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर का खुद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे होने का दावा कर रहा है लेकिन उस शख्स से बेहतर कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे काम नहीं हो सकता उस शख्स से बराबर कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे काम नहीं हो सकता जिसको खुद अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि फलानी जात मेरे कदम कदम में गई फलाना कट मेरा ताबे काम हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हिन्नी यकू वसी वला यकी मैं भी मुझे है मेरे कदम पर कदम रखेगा और कभी पता नहीं चलेगा। तो मालूम हुआ तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है इंसान के दिल में एक वसवसा आता है कि मूसा अलैहि सलाम जैसे उल अजम पैगंबर को जब उन्होंने अल्लाह ताला से उसके दीदार के आदि आरू की तो अल्लाह ताला साफ कह दिया लगदान नहीं मूसा तू मुझे नहीं देख सकता तो हम कैसे अल्लाह का दीदार हासिल कर सकते हैं। तो बंदा कहता है कि मूसा अलैहि सलाम जब सवाल किया तो अल्लाह ने कह दिया लगदान नहीं मूसा तू मुझे नहीं देख सकता तो मूसा अलैहि सलाम की उम्मत ये कहते हैं कि अल्लाह का दीदार दुनिया में जाए और मुमकिन नहीं है तो उनके लिए रवान है लेकिन हम तो उस नबी के उम्मती हैं उस आका और मौला के गुलाम हैं इस बल्ला का इसी दार दुनिया में जीते जी अपनी हयात मुबारक में मेराज में जो आसमान पर बुला के तुम तो अपना दीदार कराया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस नेमत दीदार इलाही को अपनी उम्मत के लिए माना तो अल्लाह ताला ने तोहफे में नमाज अता की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से लौटने पर फरमा दिए कि अस्सलातु मेराज मोमिन नमाज मोमिन के लिए मेराज है जो मुझको मेराज में हासिल हुआ वो तुमको नमाज में हासिल होगा और पूरा इमाम अहमद बिन मौला अलैहि सलाम ने हमें नमाज में अल्लाह का दीदार नसीब कराया। तभी तो भी मेरा रजी अल्लाह वाला है इमाम अहमद बिन मौला अलैहि सलाम से कहती है कि वाहिनी ने जब से आपकी तस्दीक की है कोई नमाज ऐसी नहीं हुई कोई नमाज ऐसी नहीं हुई जिसमें मैंने बाकी खुदा तआला को देख के सजदा किया सलातो मेराज में
समाज धर्मी के मेरा है प्रभु मेरे को लाल सन को मेरा में ला दिया था हुआ और धर्मी को धमाक में ला दिया था हुआ के बावजूद फिर एक दिन कहा है कि जब इबानी वाली में किताब इलाही फिर मेहमान के साथ सलाम के जमाने भी गए हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को क्या आम किया और अगर दिया तो किसको दिया तो हम पूछते हैं कि वो क्या पानी थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी क्या आप फरमाते हैं मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो इनके बर्तन मिले एक वो जो ऊपर जाहिर किया गया है अगर दूसरा आए तो वो मेरे भाई मेरा गला काट देंगे आप पूछ रहे हैं कि वो क्या पानी मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी क्या आप फरमाते हैं मैंने फलाने कुरान दिया है तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अगर पूछ रहे हैं तो मेरे भाई मेरे सुकार करेंगे हम पूछते हैं कि वो कौन सा कागज जो बना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे काम में सबसे बेहतरीन काम वो है जिसे तू अपने रब को देखे हम पूछते हैं कि वो कौन सा कागज जिसके मुताबिक इमाम ने आज अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सौ मरतबा ख्वाब में खुदा ताला को देखा है हम पूछते हैं कि वो कौन सी नमाज थी जिसके मुताबिक हजरत ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन जनाज जैसे मुताबिक फरमाते हैं कि हर कस के दर नमाज नबी ने जमा ले रोज फतवा हम जाम कि नमाज सलात न यानी जिस किसी ने नमाज दिया ने खुदा का दिया नहीं दिया मैं फतवा देता हूँ जिसकी नमाज पता हो हम पूछते हैं कि क्यों अल्लाह के बाल ने जो घर में चल के मामा मेरे मौजे सलाम सलाम के सामने बेटा खा के दिया कि खुल जाते हैं सलाम इमानी गया दौरे हदीसे लंतरानी हुई जिसकी खुदी पहने नमूदा बनी बनी हम यहाँ पे उसमान खुले जाते हैं सलाम इमानी यानी रात की बातें खुलने वाली हैं लेकिन सत्सम तो इन आंखों से अल्लाह का दीदार जायज और इन आंखों से अल्लाह का दिला जायज और मुमकिन अली से खुशी है कि अल्लाह ताला जिसने अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरा बंदा कसम से नफी लगाता है यानी कसम से मेरी इबादत करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बात करता है और मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है तो जब ये हाथ खुदा के हाथ होंगे पैर खुदा के पैर होंगे ये कान खुदा के कान होंगे ये जुबान खुदा की जुबान होगी तो ये आँख में खुदा की आँख होगी और खुदा की आँख खुदा को देखेंगे इसीलिए तो बंदे की आँख देखा होता है उनके कहने पर कि फूट जाए बंदे की आँख जिसने मैं को देखा हो कि बंदे ने खुदा को देखा है इमाम ने इस्लाम ने फरमाया कि खुदा उसको खुदा को देखे यह आँख खुदा है लाख बिल्कुल अच्छा यह आँख खुदा है जानी तभी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीबी आयशा ने दलील कहा कि क्या आपने खुदा को देखा है तो आपने कहा कि मैं खुदा को नहीं देखा क्योंकि खुदा आपने खुदा को देखा सवाल तो जिला खुदा सवाल तो हमसे क्या इमाम मामा इमाम इस्लाम सलाम से हुआ और क्या नहीं कर रहा है जवाब है जवाब है मामा इमाम इस्लाम सलाम ने दिया एक मुल्ला ने इमाम इस्लाम सलाम से सवाल किया कि आप अल्लाह ताला के दीदार को इस दुनिया में जायज और मुमकिन ठहराते हैं हालांकि खुदा ताला का दीदार वो मरने के बाद होगा तो मैं इस्लाम में फरमाया तो मुल्ला बंदा कब कहता है कि जी के जी खुदा ताला का दीदार होगा तुमने हदीस रसूल नहीं पढ़ी कि वुदु हमला का वुदु मर जाओ से पहले कि तुम्हें मौत आए खत्म करो अपने नफ्स से पहले कि नफ्स तुम्हें खत्म कर दे पाक कर दो इसे पहले कि तुम जमीन से पना हो जाओ ये मामला मेरे मौत ने जाकर सलाम की तरह की यानी सलाम आप मुर्दे हो जाओ जैसे मर चुके हो इसीलिए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जमीन पर चलते फिरते मुर्दे को देखना चाहता है तो अबू बकर को देख ले क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बुखारी में तमूद के वक्त मर चुके थे और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पहले मौत कर चुके थे और मरने के बाद खुदा ताला का दीदार हासिल होता है जैसा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए अपने मामा काम फरमाते हैं कि मुझ खबर है तुम जो मर गया उसको अल्लाह का दीदार हासिल होता है और इस पूर्ण कर्म रूप को रह जाए सर जाने को जाए या आप लोग रह जाए साबित हो मेरी नबी से तेरा इस बात मैं इतना भी दूँ कि सिर तो रह जाए अल्लाह ताला अपने कलाम मजीद में फरमाता है कि अल्लाह जबीलुन व युहिब्बुल जमाल अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है अल्लाह ताला बेनी का चक्कर लगाया जाए और उसको सुई के नाके के माने खुदा ताला का दीदार हासिल हो तो वो शख्स यही कहेगा कि हजार साल उसको इसी चक्कर लगाते जाओ लेकिन फिर एक मरतबा वो दीदार नसीब कर दो क्योंकि खुदा की दाद जैसी कोई बात नहीं तो खुदा के सिफात जैसी कोई सिफात नहीं तो खुदा के खुशबू की जगह कोई उसमें खुदा की खूबसूरती जैसी कोई खूबसूरती नहीं जब दुनिया इतनी खूबसूरत है तो दुनिया मनाना कितना खूबसूरत ना होगा अल्लाह ताला
अपनी खूबसूरती को एक छोटे से नमूने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिसाल पर